मैं आज पहुंच चुका हूं स्काईवॉक पहले तो गाइस वेलकम टू द व्लॉग। सबसे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ का जो लोकेशन है, जो रूट है, इज वेरी टफ। इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है कि अगर आप गाड़ी चलाने में थोड़े भी हल्के फुल्के हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इसलिए इंश्योर आइदर आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं या फिर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। 5-6 कट्स तो ऐसे हैं जिस पर गाड़ी चढ़ ही नहीं पाती है, मतलब वन गियर भी आपका, मेरी स्विफ्ट गाड़ी है, वन गियर भी एकदम ढीला हो जाता है। एनीवे, दिस इज द मेन एंट्रेंस, यहाँ से आपको एंटर करना है और ये करते 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 आप ऐसे चले जाएंगे। सामने वो स्टैचू लगा हुआ है और उसके नीचे जो ये छोटा सा दिख रहा है, दिस इज स्काई वॉक। चलते हैं वहाँ पर। दिस इज द मेन एंट्रेंस, यहाँ पर एंट्री टिकट मिल रही है, देखते हैं एंट्री टिकट कितने की है। एंट्री टिकट कितने की है? 100 पर पर्सन। चेंज ले लो। ओके, एंट्री यहाँ पर चाहिए? नहीं, ऊपर ऊपर से। ओके सो गाइस, यहाँ पे एंट्री टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन एंड प्लस DSLR का 50 रुपीज़, और एक प्लस और जोड़ दो, इफ़ यू कैरी ड्रोन यू कैन कैरी ड्रोन बट हैव टू पे 1000 रुपीज़। ऐसे आपको यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ चढ़ के ऊपर जाना है। वो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे स्काई वॉक है, ये इधर दिख रहा है। अभी हम भी जाएंगे थोड़ी देर में, देखते हैं क्या इतना। बी केयरफुल वाइल टेकिंग सेल्फीज। सिक्किम में मैक्सिमम जगह आपको पैदल चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लुक एट दिस अगेन। एक चारधाम में मेरे को स्टैचू दिखा था, बुद्धा पार्क में दिखा था, चारधाम वॉज इन नैंची, देन बुद्धा पार्क इन रा बंगला, एंड हेयर दिस इज पेलिंग। हर जगह एक स्टैचू मिलेगा स्काई वॉक। तो गाइस, जूते आपको उतारने पड़ेंगे और जूते उतार के चलना पड़ेगा, आई गेस गंदा ना हो जाए इसलिए, क्योंकि सब लोगों ने जूते ऐसे 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 उतार के। यहाँ पे गार्ड्स हैं जो कि चेक करते हैं अपने जूते उतारे कि नहीं उतारे। टिकट खाइए, जाओ जाओगे, ये डर रहा है। कुछ नहीं होगा, इधर बीच में आ जाओ, कुछ नहीं होगा, देखो सब तो खड़े हैं। गाइस, नो एंट्री इसलिए बिकॉज वहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो अभी ये ऑलरेडी टूट चुका है, तो इसलिए नो एंट्री। इंडिया का माल है थोड़ा सा। इतना सा है, मतलब फ्रॉम हेयर टू ये इधर, ठीक है, इतना है स्काई वॉक। इसके अलावा देन आप यहाँ से सर के, दिस इज द एग्जिट, एक सेकेंड, ये एंट्री भी यही है स्काई वॉक की, एग्जिट भी यही है, टिकट नीचे से मिल जाती है। देन आप इससे निकल के ऐसे 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 करके ऐसे ऊपर जाएंगे। ये एक स्टैचू है बुद्धा का। अब मैं आपको एक टाइम लैप्स दिखाता हूँ। गाइस अभी चलते हैं नीचे, इट्स ऑलरेडी 11:42 एंड मुझे भी जाना है पेलिंग से गैंगटॉक, विल टेक एटलीस्ट 4.5 आवर्स
तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये देखिए सीढ़ियाँ, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया था, वापस नीचे जाना है। वो जो वहाँ पे आपको एक शॉप दिख रही होगी, वहाँ जाके मैं अभी कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने वाला हूँ, बिकॉज सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट में नहीं किया। वो रहा स्टैचू एंड ये रहा स्काईवॉक, स्टैचू स्काईवॉक एंड इधर से ऐसे करते करते शॉप। गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो पैराग्लाइडिंग। पेलिंग में पैराग्लाइडिंग भी होती है, मैं सोच तो रहा था करने की बट टाइम ने परमिट नहीं किया, एंड देन अब तो मैंने होटल बुक कर लिया है। बट यहाँ का लुक बहुत ही धांसू होता यार, सीरियसली जो बादलों के बीच से जा रहे हैं। तो गाइज अभी वाइल कमिंग बैक फ्रॉम पेलिंग, मैं थोड़ा आगे जाके रुका हूँ। अभी पेलिंग से मैं गैंगटॉक जा रहा हूँ, गैंगटॉक के बीच में अभी एक घंटे का रास्ता हुआ जानी हुई है मेरी, 3.5 घंटे अभी और बचे हुए हैं, 4.5 घंटे का टोटल का डिस्टेंस है। सो एक घंटा हुआ है और मैं आ चुका हूँ, मेरे पीछे एक कीर्तेश्वर शिवधाम, ये भी बेसिकली एक टूरिज्म स्पॉट है, प्लेस है जो कि आपको मिलेगा। ऑल्दो आई एम नॉट विजिटिंग, मैंने यहीं से फोटोग्राफ ले लिया बिकॉज ऑलरेडी टू लेट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको गैंगटॉक जाना है और उसके बाद आपको नाथुला या चांगू लेक जाना है, तो उसके लिए आपको पहले एक परमिट लेना पड़ता है। परमिट के लिए आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, आपको कुछ अपने डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो और फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी क्या किया, जसडैल से मैंने टूर्स एंड ट्रैवल्स के नंबर्स लिए और मुझे 3000 में एक टैक्सी मिली है, छोटी गाड़ी जो कि सुबह मॉर्निंग से 8:30-9 बजे करीब मुझे आ जाएगी पिक करने के लिए, 3 से 4 बजे के करीब मुझे वापस ड्रॉप कर देंगे मेरे होटल पे, एंड वो मुझे इस ड्यूरेशन में घुमाएंगे चांगू लेक ऑब्लिक टी शामगो लेक, दोनों को, चांगू एक्चुअली इज चांगू एंड टी शामगो जिसको मैं कह रहा हूँ TSOMGO, वो चामगो लेक है। तो दो मतलब एक ही लेक है, दो नाम है उसके, नाम और भी हैं शायद, 3-4 नाम है। तो वहाँ जाऊँगा और उसके बाद एक हरभजन मंदिर है, बाबा हरभजन मंदिर, और नाथुला पास बाय द वे अभी बंद है। नाथुला पास बंद इसलिए बिकॉज वहाँ पर स्नोफॉल बहुत हैवी है, पिछले 15-20 दिनों से बंद है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा इस वजह से। कोई बात नहीं है, बाकी जगह मैं बहुत घूम लिया हूँ, तो चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। एक घंटा हो गया मुझे गाड़ी चलाते हुए, रूट बहुत टफ है यहाँ का, और व्यू थोड़ा देखिए। तो गाइस अपनी गाड़ी से ट्रैवल करने का आपको मैं दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है कि आपको जहाँ भी लोकेशन मिलती है वहाँ रुक सकते हो, और मुझे मिली एक लोकेशन जो कि इतनी सेक्सी है, जस्ट लुक एट दिस। सराउंडेड बाई माउंटेन्स, देखो आपको एक वो माउंटेन, एक उसके बीच में माउंटेन, एक ये माउंटेन, यहाँ पे रिवर। एनीवे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 1:45, मैंने अपना कैब ऑलरेडी बुक कर लिया है गैंगटॉक के लिए, और टुमारो आई विल बी गोइंग टू चांगू लेक एंड बाबा हरभजन मंदिर जो है, तो वहाँ दो स्पॉट मैं कल कवर करने वाला हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ और घूमते रहिए सिक्किम, क्या मस्त है यार, फाड़ू।